दोस्तों जब कभी भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम अपना एटीएम कार्ड का यूज करते हैं और आसानी से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों पैसे निकालने से पहले एटीएम में 4 अंकों का पिन डालना पड़ता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पिन आखिर 4 अंकों का ही क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरन ओबी एक भारतीय मूल के ब्रिटिश आविष्कारक थे जिन्होंने उस एटीएम का नेतृत्व किया जिसने पहली कैश मशीन स्थापित की, जिसे कभी कभी स्वचालित टेलर मशीन या एटीएम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जॉन ने एटीएम पिन के लिए 6 अंकों की संख्या को पसंद किया था क्योंकि वह आसानी से अपने 6 आंकड़े वाले सेना संख्या को याद कर सकता था। लेकिन जब वह अपनी पत्नी कैरोलिन पर इसका प्रयोग करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी जो सबसे लंबा अंक याद रख सकती थी वो था 4 अंकों का। तब उन्होंने 4 अंकों का एटीएम पिन रखने का फैसला किया। इसके पीछे कारण यह था कि औसतन मानव का दिमाग 6 अंकों की तुलना में 4 अंकों की संख्या को आसानी से याद रख सकता था और यही कारण है दोस्तों कि एटीएम का पिन 4 अंकों का होता है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया हमें कहां से कहां ले जाएगी यह तो हमें पता नहीं, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए दोस्तों डोमिनोज अपने मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए नए नए फंडे यूज करते रहती है और टेक्नोलॉजी के साथ भी चलती है और साथ चलते हुए दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जिसकी पिज्जा डिलीवरी कोई डिलीवरी बॉय नहीं खुद कार आके करेगी, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, जिसमें ऑटोमेकर कंपनी फोर्ड अपनी पहली सेल्फ ड्राइविंग कार 2021 में लॉन्च करने वाली है और इसी सेल्फ ड्राइविंग कार से डोमिनोज अपना पिज्जा डिलीवरी करेगा। दोस्तों होगा ये कस्टमर पिज्जा को ऐप के थ्रू ही ऑर्डर करेंगे और साथ में उसको ट्रैक भी कर सकेंगे। इसके लिए उनको एक मैसेज मिलेगा और उस मैसेज में OTP होगा। दोस्तों इन कारों में हीट वेव पिज्जा कंटेनर लगा हुआ होगा जिसे कस्टमर एक स्पेशल कोड जो कि OTP आएगा उससे अनलॉक कर सकेंगे। दोस्तों फोर्ड और डोमिनोज ने डिलीवरी प्रोसेस का यह रिहर्सल भी शुरू कर दिया है और दोस्तों इन कारों में ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा होगा जिससे कोई भी इंसान ऑर्डर चोरी नहीं कर पाएगा। दोस्तों अब टेक्नोलॉजी के साथ डोमिनोज आगे बढ़ रहा है तो फिर पिज्जा हट कैसे पीछे रह सकता है? दोस्तों पिज्जा हट टोयोटा कंपनी के साथ मिलकर सब करने वाला है। टोयोटा कंपनी भी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार को डिलीवरी के लिए टेस्ट कर रही है और हो सके तो बहुत जल्द इस टेक्नोलॉजी के साथ पिज्जा हमारे घर के दरवाजे पर होगा। दोस्तों बारिश के दिनों में जब बारिश के बाद धूप निकलता है तो आसमान में इंद्रधनुष हमें देखने को मिलते हैं और इन रंग बिरंगे इंद्रधनुष को देखकर हमारा मन खुशी से उछल उठता है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं इंद्रधनुष के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों इंद्रधनुष के रंग का क्रम हम आपको बताते हैं। यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। दोस्तों इन रंगों को याद रखने का एक आसान तरीका भी है जिसमें रॉय GBIB कहते हैं। दोस्तों वास्तव में इंद्रधनुष पूरा गोल होता है लेकिन जमीन से हमें सिर्फ आधा ही दिखाई देता है। अगर इस समय आप हवाई जहाज में होते हो तो आपको यह पूरा गोल दिखाई देगा। दोस्तों पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी और शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर ही इंद्रधनुष बनते हैं और दोस्तों चांद की रोशनी से बनने वाले इंद्रधनुष को मून बो और कोहरे से बनने वाले इंद्रधनुष को फॉग बो कहा जाता है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा इंद्रधनुष अमेरिका के राज्य हवाई में दिखाई देते हैं। दोस्तों इसी वजह से इस राज्य का नाम द रेनबो स्टेट रखा गया है।